मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप, जो यहां पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में हैं। यहां से चेक कर सकते हैं आप इनकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो बेस फैलेंजेस हैं काफी अच्छी थिकनेस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना ऐसे नेटिव के भीतर रहता है। और आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, काफी तहजीब वाले होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। यहां पर इन फिंगर्स के बीच में काफी क्लियर गैप्स जो इंडिकेट करते हैं काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं और साथ ही साथ थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी रहते हैं, जिनकी फिंगर्स के बीच में इस तरह का गैप्स हो। और आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में बृहस्पति फिंगर का झुकाव यहां पर इनकी शनि फिंगर की तरफ होता है, और शनि फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, शनि फिंगर स्ट्रांग नजर आ रही है, और बृहस्पति फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव मिडल एज से ही अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं। इनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रहता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। लेकिन यंग एज में ऐसे इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे ज्यादा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब इस तरह की चीजों के इफेक्ट्स ऐसे नेटिव के अंदर आ सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ी सी टिल्टेड बृहस्पति फिंगर, लेकिन काफी स्ट्रांग गुरु फिंगर नजर आ रही है, थिकनेस में अच्छी है और इवन लंबाई में यह फिंगर काफी अच्छी है, जिस वजह से नॉलेज इनकी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी नॉलेज भी उसी अकॉर्डिंग इनकी इंप्रूव होती जाएगी, काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की बन जाती है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी ईगो रहने के चांसेस भी बढ़ते हैं। और शनि फिंगर के बारे में अगर बात की जाए तो शनि फिंगर थिकनेस में अच्छी है, स्ट्रेट है, जो इंडिकेट करती है हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, मीडियम लेंथ में सूर्य फिंगर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लंबाई में सूर्य फिंगर नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर और थिकनेस में अच्छी है यह फिंगर, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी क्रिएटिविटी को। ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज रहती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर हो सकती हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। तो आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट, और यहां पर मर्करी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप, इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स में खास तौर पर जब भी होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद से लेना पसंद करते हैं, किसी दूसरे की राय ज्यादातर नहीं मानते, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। और यहां पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहने वाले हैं, जिसका रीजन इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई है। आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर लंबाई में यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती नजर आ रही है, जिस वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके भीतर रहने वाले हैं, और इवन कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मर्करी माउंट है यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन जब हम बाकी माउंट को देखें, जैसे यह इनका गुरु माउंट है, यह शनि माउंट है और यह सूर्य माउंट है, तीनों माउंट्स हाई सेट हैं, तीनों को स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है। इवन मर्करी को भी बहुत स्पेस कम नहीं मिल पा रही, लेकिन थोड़ा सा लो सेट होना
व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनके माउंट्स की सेटिंग में नजर नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं कि सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को ही, गुरु माउंट काफी उठा हुआ है। गुरु माउंट यहाँ पर काफी अच्छी नॉलेज को इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअलिटी की को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव जिनका बृहस्पति माउंट स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल माइंडेड तो होते ही हैं, साथ ही साथ लाइफ में खूब ज्ञानवान बन जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, नॉलेज भी इनकी बढ़ती जाती है और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन लोगों को मिलती है जिनका बृहस्पति माउंट स्ट्रांग हो। बृहस्पति माउंट के ऊपर ज्यादा चिन्ह नजर नहीं आ रहे, एक हल्की सी रेखा इस तरह की जो नेटिव को सिंपथेटिक बनाती है, सिंपथी वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावना रहती है। आगे देख सकते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट का एरिया अगर आप देखो तो आपको ये थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट जिनका भी दबता है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मेहनत काफी करनी पड़ती है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। यह माउंट दबा हुआ हो, शनि रेखा बहुत ज्यादा लंबी ना हो, जैसे इस केस में हो रहा है। आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है वो इनकी माइंड लाइन तक ही पहुंच पा रही है। यहां से शनि रेखा शुरू हो रही है कुछ इस तरह से और यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो कर रही है और आगे यहाँ पर बहुत ही हल्की शनि रेखा नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। 36 की एज के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल भी इनकी लाइफ में बढ़ सकती है और ओवरऑल मेहनत लाइफ में काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि माउंट भी मुझे दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग शनि रेखा इस तरह की रेखा को हम कहते हैं, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से शनि रेखा चलना शुरू करे और यह बिल्कुल कहीं पर भी ना रुके और बिल्कुल सीधी शनि माउंट तक पहुंचे, एक लंबी भाग्य रेखा जिसको हम कहते हैं, ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे नेटिव को लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, खासतौर पर धन के मामले में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति को धन सहज ही मिल जाता है। अदरवाइज अगर यह रेखा वीक हो तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं और व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका सूर्य माउंट, सूर्य फिंगर को हमने देखा अभी, सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, मीडियम लेंथ में है और यहाँ पर सूर्य माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा कहाँ पर होती है आपको बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उन्हें बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कैसी होती है। जिस तरह से इनके हाथ में आपको एक शनि रेखा नजर आ रही है, यहां से यह जो रेखा शनि माउंट की तरफ बढ़ती है यह शनि रेखा कहलाती है, और अगर इसी में से कोई रेखा निकलकर इस तरह से सूर्य माउंट की तरफ बढ़े इसको सूर्य रेखा कहते हैं। और कई बार सूर्य रेखा इस एरिया में होने की बजाय यहां से सीधी इस तरह से भी चलती है। इस तरह की सूर्य रेखा भी अगर हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति को काफी ज्यादा नेम एंड फेम लाइफ में मिल पाता है। तो यहां पर नेम एंड फेम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन सूर्य फिंगर के अच्छे होने की वजह से अच्छी रिकॉग्निशन इनकी रहेगी। अब बात करते हैं इनके मर्करी माउंट की। मर्करी माउंट यहां पर उभरा हुआ नजर आ रहा है, मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ये लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, इन्हें प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में इंडिकेट करती है। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन इस तरह से बढ़े और ऊपर की तरफ मुड़े, इस तरह से जब कर्व्ड हार्ट लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल हो जाते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की होती है। और अगर यह हार्ट लाइन सीधी हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। और अगर इसमें से कोई रेखा बाहर की तरफ यानी कि मंगल माउंट की तरफ बढ़े, यह जो एरिया रहता है यह मंगल माउंट का होता है, अगर इस तरह की रेखा हो तो नेटिव अग्रेसिव भी होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव की पर्सनैलिटी व्यक्ति की, अग्रेसिव नेचर रहने की संभावना इस तरह की रेखा से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसे हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, जब भी इसकी कोई ब्रांच बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ जाए तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दिखावे की स्पिरिचुअलिटी इन्हें पसंद नहीं होती, और इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति को लाइफ में कामयाबी भी मिलती है। और अगर ऐसा नेटिव अपने कर्मों को शुद्ध रखता है यानी कि अच्छे कर्मों से ही धन कमाता है तो लाइफ में काफी अच्छी कामयाबी हासिल कर सकता है। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और यह थोड़ा सा झुकी हुई,
और एक ब्रांच यहां पर इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती हुई, जिसको हम बाइफोग्ड माइंड लाइन कहते हैं। इस तरह की माइंड लाइन वाले व्यक्ति को थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह जो माइंड लाइन है यह भी दर्शाती है कि ऐसे नेटिव के भीतर राइटिंग की काफी अच्छी एबिलिटी हो सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति राइटर बन सकता है, पोइट बन सकता है, या कोई ना कोई ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर होती हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इन आर्टिस्टिक क्वालिटीज का यूज नहीं करता तो यह रेखा व्यक्ति को एंग्जाइटी देती है, क्योंकि ओवर इमेजिनेट करने की कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनकी माइंड लाइन नीचे की तरफ झुकी हुई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। अब देख सकते हैं यह इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई, जो इंडिकेट करती है कि लाइफ में अपने बर्थ प्लेस से दूर किसी और जगह पर जाकर भी इन्हें सेटल होना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी यह लाइन अंदर की तरफ मुड़ जाए और स्ट्रांग हो तो नेटिव अपनी बर्थ प्लेस के आसपास ही रहता है, लेकिन जब भी यह रेखा बाहर की तरफ निकलती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी और प्लेस पर जाकर सेटल होने के। और इस तरह की लाइफ लाइन यहाँ पर जो लंबाई में है लाइफ लाइन अच्छी है और 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, उसके बाद भी यहाँ पर आगे भी यह रेखा नजर आ रही है, तो 75 से 80 के आसपास की इनकी एज रहने की संभावना है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस रेखा के अंत में चलकर कुछ इस तरह से एक आपको चिन्ह बनता नजर आएगा, कुछ ऐसा इस तरह का चिन्ह जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना इन लोगों को रहती है, क्योंकि यह केतु एरिया रहता है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना शुभ परिणाम देता है। आगे आप देख सकते हैं इनके चंद्र माउंट को अगर देखा जाए तो इस एरिया में काफी सारी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी, जितनी ज्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर होती हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी जैसी दिक्कत, ओवरथिंकिंग, ये चीजें रहती हैं। यहाँ जो एरिया आप देख सकते हैं इस एरिया पर मून माउंट के ऊपर कुछ रेखाएं बारीक इनके नजर आ रही हैं, जबकि बाकी का चंद्र माउंट बिल्कुल क्लियर है, जो एक अच्छी चीज है। यह माउंट जितना क्लियर होता है उतनी ज्यादा परेशानी व्यक्ति को नहीं होती। और आप देख सकते हैं इनका वीनस माउंट काफी अच्छा है, उठा हुआ वीनस माउंट, पिंकिश आभा है इस माउंट की, जो इंडिकेट करता है हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में जरूर मिलने वाली हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।